बेगम साहब, बेगम साहब, करुणा, ये आप अंधेरे में क्या देख रहे हैं? आगरा, आगरा? हाँ करुणा, हमें आगरा बहुत याद आता है। तो तुम्हारी मोहब्बत थी जो हमें यहाँ ले आई, वरना हम आगरे से दिल्ली कभी ना आते। बेगम साहब का दिल अगर दिल्ली से घबरा गया है तो चलिए कुछ दिनों के लिए आगरा चले। करुणा, तुम चाहती हो कि हम औरंगजेब के सामने दस्ते तलब बढ़ाएं, आगरा जाने की इजाजत मांगे? करुणा, हम घुट घुट के मर जाएंगे लेकिन औरंगजेब से रहम की भीख हरगिज नहीं मांगेंगे। तुम ही बताओ, हमें दिल्ली आए हुए जमाना हो गया लेकिन औरंगजेब हमारे हुजूर में हमें सलाम करने एक दिन भी नहीं आया। वो शहंशाह होगा तो दुनिया के लिए, हमारा तो माँ जाया है, भाई है, हम बड़ी बहन है, माँ के बराबर है। एक बार अगर छिड़क सकते हैं तो दूसरी बार गले लगा कर प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन बेगम साहब, आलमपना तो रोज आते हैं। क्या कहा, औरंगजेब रोज आता है? जी बेगम साहब, चौखट को सलाम करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं और चले जाते हैं। फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आया? वो नहीं चाहते कि आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ आके आपका दिल दुखे। करुणा, कल जब औरंगजेब आए तो उसे हमारे पास लाना, कहना हमने बुलाया है। हम उसे गले लगाएंगे और माफ कर देंगे। बहुत अच्छा बेगम साहब, चलिए अब आराम कीजिए। चलो। करुणा, अब तुम जाओ, हम सो जाएंगे। खुश रहो। तेरी आँख के आँसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ? तेरी आँख के आँसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ? तेरे गम में तुझको करना करना। क्या बात है, जानती हो ये आवाज किसकी? नहीं तो मिर्जा साहब की। मिर्जा साहब? हाँ करुणा, ये हमसे भी ज्यादा बदनसीब है। अपनी आवाज तो हम तक पहुंचा सकते हैं लेकिन लेकिन हमारी नहीं सुन सकते। जब तक हम बाबा के साथ कैद में थे, दीवानों की तरह रात दिन किले के बाहर यही गाते रहते थे, और अब यहाँ भी आ गए हैं। वो ये नहीं जानते कि उनकी आवाज सुनकर हमारे दिल पर क्या गुजरती है। जाओ करुणा, हमारी तरफ से इल्तिजा करो और कहो कि आप यहाँ ना आया करें। हमारे दिल में टीस उठती है, हम तड़प जाते हैं। जाओ 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 करुणा। करुणा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिली। उम्मीद के बुझे हुए चिराग रोशन हो गए, मुझे बेगम साहब तक पहुंचा दो। मिर्जा साहब, मैं तो उम्मीद के चिराग बुझाने आई हूँ, आप यहाँ ना आया कीजिए। आपकी आवाज सुनकर बेगम साहब को बहुत तकलीफ होती है, वो तड़प उठती है। मैं भी उस मछली की तरह तड़प रहा हूँ जिसे बेरहम मौजों ने साहिल पर फेंक दिया हो। करुणा, खुदा रहा मुझे एक बार बेगम साहब से मिला, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आप बेगम साहब से नहीं मिल सकते, जाइए, भगवान के लिए चले जाइए। कैसे चला जाऊं? मैं तो एक मुद्दत से तुम्हारी तलाश में था कि तुम मिल जाओ तो तुमको तुम्हारा वचन याद दिलाऊं, एक बहन का वचन जो उसने कभी अपने बदनसीब भाई को दिया था। वचन? भगवान के लिए मुझे मेरा वचन याद न दिलाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजपूत की बेटी हाथ जोड़े अच्छा नहीं लगता। साफ साफ कह दो करुणा के राजपूती खून सर्द पड़ चुका है, और वचन के नाम पर गर्दन कटाने वालों की निगाहों में वचन की कोई कीमत नहीं है। खुदा हाफिज। राजपूत के वचन की कीमत है, मैं भी आपको बेगम साहब से मिलाए देती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप यहाँ फिर कभी नहीं आए। कभी नहीं आऊंगा बेगम साहब की कसम। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आती हूँ।
करुणा, तुमने उन्हें समझा दिया, अब तो कभी नहीं आएंगे ना? जी, उन्होंने आपकी कसम खाई है कि आज के बाद फिर कभी नहीं आएंगे। खुदा उन्हें सब्र अता फरमाए। लेकिन बेगम साहब, इस वक्त मैं गुलशन में गई। क्या बात है करुणा, हमसे कहो, शायद हम तुम्हारी उलझन दूर कर सकें। बहुत दिन हुए मैंने मिर्जा साहब को एक वचन दिया था और आज वो मुझको मेरा वचन याद दिला रहे हैं। करुणा, तुम राजपूत की बेटी हो, वचन का मान रखना तुम्हारा धर्म है, उसे पूरा करो। लेकिन मेरा वचन आपकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। फिर हमें हुक्म दो, हम तुम्हारा वचन पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आपको एक बार मिर्जा साहब से मिलना होगा। करुणा, खुदा के वास्ते अपने अल्फाज वापस ले लो, हम जन्नत मकानी अम्मी हजरत को कॉल दे चुके हैं। मैं भी मिर्जा साहब को वचन दे चुकी हूँ, हम कभी ना मिलने के लिए कला में पाक की कसम खा चुके हैं। लेकिन मेरा वचन भी मेरे लिए गीता की सौगंध है। करुणा, हमसे हमारी जिंदगी ले लो, लेकिन हमारा ईमान न मांगो। अगर मैं अपना वचन पूरा न कर सकी तो मेरे लिए एक ही रास्ता है, अपनी जान दे। मैं गीता की सौगंध खाती हूँ, आपके ईमान पर से अपना वचन कुर्बान कर दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। करुणा, अपना वचन पूरा करो। जी, हम हुक्म देते हैं, अपना वचन पूरा करो। मेरे अल्लाह, बहन के वचन की लाज मेरे हाथ में थी, वो मैंने रख ली, अब मेरे कॉल की आबरू तेरे हाथ में है। मेरे मालिक, मेरी मदद कर। मालिक, मेरी मदद कर। तो इज्जत का रखवाला है, तुझे सारे जहान की बेटियों की इज्जत वापरू का वास्ता, मुझ पर रहम का, मुझ पर रहम का। बेगम साहब, या अल्लाह, तुझको तेरे हबीब का वास्ता, मुझ पर रहम का, मुझ मजबूर का तमाशा ना देख। बेगम साहब, मैंने तेरे कलाम की कसम खाई है, अब इसकी इज्जत तेरे हाथ में है। मेरे अल्लाह, पुराने पाक की आबरू रख ली। मेरे अल्लाह, पुराने पाक की आबरू रख ली। बेगम साहब, इस नाचीज का सलाम कबूल फरमाइए। कितना खुश नसीब हूं, वक्त बदला, दुनिया बदली, लेकिन याद को दिल में बसाने वाले आज तक न बदले। बेगम साहब, वो रात याद कीजिए जिस रात में अपनी जहां आरा की तलाश में शहनशाह हिंद की बेटी के ख्वाबगाह में पहुंच गया था। जानती हैं आपने क्या कहा था? आपने कहा था, मिर्जा साहब, हमने आपकी इबादत की, आपके नाम की तस्बीह बनाई, और आपने आपने उस तस्बीह के दाने बिखेर दिए। बेगम साहब, खुदा के वास्ते आज इस इल्जाम को वापस ले लीजिए, मैंने उस तस्बीह के दाने नहीं बिखेरे। आंखें खोलिए और देखिए, आपकी तरह इश्क के सैलाब में डूब के मैंने भी जिंदगी हासिल कर ली है। खुदा गवाह है बेगम साहब, मैंने तस्बीह के दाने नहीं बिखेरे। बेगम साहब, अपना इल्जाम वापस ले लीजिए। बेगम साहब,
बेगम साहब। करुणा। बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब, बेगम साहब। बहुत